हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आज जो ना आप छोटे से जो हमारे राधा किशन जी आए हैं उनके जो कृपा वर्षी है ना उनका ही स्थापना कर रही हूँ और बहुत ही सरल विधि से स्थापना कर रही हूँ क्योंकि घर में राधा कृष्ण जी ऑलरेडी विराजमान है और इसीलिए उनके तो प्राण ऑलरेडी है ही। इसीलिए आज बड़ी ही सरल विधि से घर में इनकी स्थापना होगी और फिर इनकी पोशाक और ड्रेस वगैरह पहनाएंगे और इसी तरह से इनकी डेली स्नान श्रृंगार भी होगा। ठाकुर जी की अपनी इच्छा होती है, जब वो अपनी इच्छा से आते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होता है और साथ साथ में देखो किस तरह का एक संयोग बोल सकते हैं कि अभी देवसायनी एकादशी आ जाती थी तो इनकी प्रतिष्ठा करने के लिए मुझे जन्माष्टमी तक इंतज़ार करना पड़ता था, परंतु ऐसे शुभ दिन में वो आ भी गए और बीच में एक मुझे दिन मिल भी गया जिससे मैं थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास है उससे ही ठाकुर जी की स्थापना कर रही हूँ। तो ये कच्चे दूध से हमें हमेशा स्नान करवाना चाहिए। लोग कई बार पूछते हैं कि जब हम स्नान करवाते हैं तो दूध कैसा होना चाहिए और भोग के दूध कैसा होना चाहिए। भोग लगाने के समय दूध हल्का गर्म पीने लायक होना चाहिए और स्नान के समय कोई भी भगवान को जब अभिषेक करते हैं तो दूध जो है कच्चा होना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान का स्नान करवाए। तो देखिए हमारी छोटा सा राधा किशन जी बहुत ही प्यारे हैं और जिनके भी कृपा से हमारे घर में राधा किशन जी की आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है वो आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी मन की इच्छा भी पूरी हो गई और ठाकुर जी भी घर पे आ गए इतनी भव्य सुंदर स्वरूप लेके, इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। इनकी स्थापना जो है रथ यात्रा का दिन हुआ था और रथ यात्रा के दिन में ही इनके अच्छे से स्नान तथा श्रृंगार हुआ था। अच्छा एक चीज़ और ना, मैं सोच रही हूँ इनको हमेशा गोल्ड ड्रेस ही पहनाऊँ, जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस होती है ना छोटे मूर्तियों को, वो ड्रेस पहनाने से बहुत सुंदर लुक आता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बाज़ार जा भी नहीं पाई और ऑनलाइन इतने जल्दी नहीं आती है, तो मेरे पास जो नया गोल्ड ड्रेस रखा हुआ था कुछ उसी में से निकाल के मैंने इनको श्रृंगार किया और मुझे सच मानो तो मुझे बिल्कुल यकीन भी नहीं था कि ये इतनी प्यारे और सुंदर दिखेंगे। और मुझे ना ये ड्रेस पहनाने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि आगे चल के भी इनको मैं इस तरह का गोल्ड ड्रेस पहनाऊँगी, यानी कि लड्डू गोपाल जी का ड्रेस ही पहनाऊँगी। तो इसी तरह से देखिए एक बार मैंने सोचा बाल लगा के देखूं तो, लेकिन डेली स्नान श्रृंगार में क्या होता है फिर बार बार बाल लगाना ये लगाना होता नहीं है, समय की अभाव हो जाती है। कई सारे सेवाएं जो लेके रखते हैं तो उनके लिए समय की थोड़ा सा अभाव होता ही है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ जितनी सादा सिंपल तरीके से हम रखेंगे उतना ही उनकी सेवा मैं अच्छी तरह से कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ मैं डेली इनकी सेवा कर पाऊँ और इसीलिए मैं इनको बहुत ही सिंपल, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी है जैसे वो सिंपल सा रहते हैं वैसे ही मैं इन राधा कृष्ण जी को भी सिंपल सा रखने की कोशिश जरूर करूँगी। हाँ कोई त्यौहार होगा तो इनकी बढ़िया श्रृंगार मैं ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों आज जो है इनकी श्रृंगार जो हुआ है, स्नान जो हुआ है, सच बताना आप लोगों को कैसे लगा? आज के दिन सबसे पहले तो हमने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा जो किया था घर में, थोड़ा सा मिठाई वगैरह लेके आए थे। कभी भी आप जो घर में प्रतिष्ठा करते हैं तो मीठा भोग जरूर लगानी चाहिए, ठाकुर जी को मीठा भोग जरूर लगाए, साथ में अगर माखन मिस्त्री है तो उनके भोग लगाए और इस तरह से जो है फल वगैरह है ऋतु फल होता है जो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको जुगाड़ होना पड़ेगा तभी जाके स्थापना कर पाएंगे तभी जाके होगा, जितना अपने से हो पाता है उतना ही करके भी अपना अगर अच्छे से आप स्थापना करते हैं ना तो उससे भी देखना मन को काफ़ी शांति मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत तामझाम से भी ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो रहता है कि आपके मन की भाव कैसा है। आप जब सुख से बैठ के एक आम भी लेके बैठोगे ठाकुर जी को, भोग लगाओगे, एक ड्रेस पहनाओगे, एक माला पहनाओगे, थोड़ा सा एक दीप जलाओगे ना तो उसमें भी देखना अजीब सा एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसा शांति मिलती है ना जिससे बड़ा अच्छा लगता है। और इस दिन जो है रथ यात्रा भी था तो सवेरे मैंने सभी भगवान को जो है आम का भोग लगाया था आज, और आम जो है काट के देने के बाद ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं रखना, इसमें मक्खी वगैरह लग जाता है। और अभी ये घेवर आया था तो घेवर और बालूशाही जो मिठाई वगैरह कुछ फल वगैरह ज़रूर भोग में लगानी चाहिए।
और इसी तरह से ठाकुर जी की जो है स्थापना आज के दिन हुआ है, रथ यात्रा के दिन। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आप लोग भी अगर कोई नया, एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है, एक मेरे यूट्यूब वाले जो व्यूवर्स है, बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी लाए हैं तो क्या जन्माष्टमी के तक वेट करें या क्या करें। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, अभी नवरात्रि का बड़ा अच्छा दिन चल रहा है और विजयादशमी के दिन भी बहुत अच्छा दिन है। तो देवशयनी एकादशी से पहले आप जो है किसी दिन ठाकुर जी की अगर प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु देवशयनी एकादशी के बाद से लेकर देव उठनी एकादशी तक कोई स्थापना प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो उस समय क्या थोड़ा प्रतिष्ठा करना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, केवल मात्र जो जन्माष्टमी के दिन छोड़ के। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा आपको बताया ना जरूर। राधे कृष्ण का नाम लेके हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हरे कृष्णा राधे राधे।